मथुरा के बनारस में ज्ञान व्यापी मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद के बीच वर्शिप एक्ट 1991 पर चर्चा पूरे देश में हो रही है। इस एक्ट को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग लोगों ने याचिका दाखिल की है। शनिवार को मथुरा के प्रख्यात भागवताचार्य देवकीनंदन महाराज ने सुप्रीम कोर्ट में वर्शिप एक्ट के खिलाफ अर्जी दाखिल की। देवकीनंदन महाराज ने कहा कि वर्शिप एक्ट के सनातियों के लिए कोर्ट के दरवाजे भी बंद कर दिए हैं। हिंदू धर्म में पूजा का स्थल का क्या महत्व ये सब जानते हैं, लेकिन इस एक्ट के अंतर्गत हिंदू काशी और मथुरा जैसे स्थलों पर पूजा नहीं कर सकता, ये एक बड़ा कष्टदायी है। ठाकुर देवकीनंदन ने कहा कि लोकतंत्र की सुंदरता भी रहे और सनातनियों को न्याय मिले, इसके लिए उन्होंने न्यायालय की शरण ली है। देवकीनंदन महाराज की ओर से दाखिल की गई अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार करेगा या नहीं, ये तो वक्त ही तय करेगा और इस पर निर्णय अभी तक नहीं हुआ है। औरंगजेब ने सबसे बड़ा काम ये किया था कि जहां जहां हमारे पूजा स्थल थे, प्रमुखता जैसे काशी हो गया, मथुरा हो गया, अयोध्या हो गया, यहां उसने बड़ी बर्बरता की। और बर्बरता करके औरंगजेब जैसा था, इतिहास जानता है, मैं उसके विषय में ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन लोकतंत्र की सुंदरता इसी में है कि अगर किसी ने हमारे ऊपर जुल्म किए, कत्लेआम किए हैं, तो हम उसके अगेंस्ट जाकर कोर्ट में प्रार्थना रखें, अर्जी रखें, अपनी बात रखें। और लोकतंत्र की सुंदरता को बढ़ाने के लिए ये कार्य बहुत जरूरी है। पर 91 में नरसिम्हा राव सरकार ने ये कानून लिया है कि जो पहले की स्थिति है वही रहेगी, इसका मतलब हमारे लिए कोर्ट के दरवाजे भी बंद कर दिए। भारतीयों के लिए, सनातनियों के लिए देव स्थल क्या महत्व रखते हैं ये तो आप भी जानते, मैं भी जानता हूं, लेकिन उनको भी अगर हम मथुरा में जन्मभूमि पे जाके सेवा नहीं कर सकते, काशी में जाके नहीं गौरी पूजन कर सकते, तो इससे जो हमारी